हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा अयास एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़ारा टीवी लाइव कुकिंग। सो आज हम बनाने जा रहे हैं तवा कीमा। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर ली है। इसी तरह मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके रख लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और हसबे ज़ायका मैंने नमक लिया है। थोड़ा सा मैंने चॉप किया हुआ जो है हरा धनिया है और जो है यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में मैंने हरी मिर्च कट करके रख ली है। कीमा मैंने ख़ुद घर में पीसा है और इसमें छोटी छोटी जो है बोटियाँ भी मैंने ऐड कर ली हैं इस टाइप की कीमे टाइप की। और कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 चम्मच और 2 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने तवे पे ऑयल डाल लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्याज ऐड करूँगी अपनी जो है जो मैंने चॉप करके रखी हुई है। और आज हम ये वाला यूज़ करेंगे तवे से तवे का लिहाज से। आज मैंने कहा कुछ न्यू हो जाए तो ये मैं बना रही हूँ आज तवा कीमा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें जो है वो हरी मिर्चें ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अपना कीमा ऐड करेंगे। तो जब तक यहाँ पे हमारी प्याज फ्राई हो रही है तो मैं अब इसमें जो है हरी मिर्चें ऐड करूँगी। मैंने छोटी और बड़ी दोनों हरी मिर्चें ऐड करी हैं। छोटी मैंने कट नहीं करी है, बड़ी वाली मैंने बीच में से कट कर दी है। और आप लोग बताइए आप लोग का दिन कैसे गुजर रहा है आजकल। दोबारा से गर्मी लौट आई है, 3 दिन से बहुत गर्मी हो रही है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो थोड़ा सा और फ्राई करेंगे देन हम इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा मैंने। अच्छे से सौते करने के बाद मैं यहाँ कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमा मैंने तकरीबन 1 kg 1 किलो लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखें। अब हमने हम यहाँ पे सारी स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। हमने स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च भी इसमें ऐड करा है। अब मैं यहाँ सेंटर में जो है सारे टमाटर ऐड कर दूँगी और इसको 1-2 चम्मच चला के ढक दूँगी गलने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा गलने के लिए रखूंगी टमाटर ताकि गल जाए। देखते हैं, ये देखें हमारे जो है टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दूंगी। फिर ये थोड़ा सा और मैश हो जाए टमाटर, थोड़े से मिक्स हो जाए। फिर इसमें मैं कसूरी मेथी भी 1 चम्मच ऐड कर दूंगी। सही है, ये देख लें आप।
अब मैं यहाँ पे एक कप या आधा कप पानी ऐड करूँगी और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी गलने के लिए। अब इस पॉइंट पे ये मैंने मिक्स कर दिए हैं, तो मैं यहाँ पे एक चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये तवा कीमा। चले अब ये मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल के इसको दम पे आहिस्ता गलने के लिए छोड़ रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये गल जाए। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। मैंने इसको खोल के देखा, अब जो है ये हमारा कीमा गल चुका है अच्छे से, जो है हमने इसको भून भी लिया है, अच्छे से गल भी चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ पे गार्निश करूँगी, तो चले इसको सजाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, हमने इसको सजा दिया है खूब, इसको जो है वो हरा भरा कर दिया है। और इसका लुक देखें आप कितना ज़बरदस्त आया, ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको इसके ऊपर मैंने लेमन और लेमन जूस और जो है गरम मसाला भी डाला है एंड में। जब आप लोग सर्व करें तो आप लोग ये एंड में जो है ऊपर से डालिएगा, और इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाइए तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।